वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो ब्लू कलर के अंदर आज पहली बार हमने गाड़ी रेडी किया है। कस्टमर की चॉइस थी तो जैसे उन्होंने बोला हमने वैसा गाड़ी रेडी कर दिया। और भाई, और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली हैं चैनल के ऊपर। तो जो नए फ्रेंड जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दें, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बात करते हैं शानदार गाड़ी की ओनरशिप डिटेल के बारे में। दोस्तों, ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर मोहम्मद बशीर जी, जो कि हैं बालेश्वर उड़ीसा से। तो इन्होंने सऊदी से हमें ऑर्डर किया था, वहाँ पे हमारा वीडियो देखा, बोले कि भाई मेरे के लिए एक आप शानदार गाड़ी बना के दो। तो उनकी जैसी चॉइस थी हमने उसके अकॉर्डिंग जो है उनका डिटेल नोट कर लिया था, लेकिन उसमें फिर अपने भी कुछ सजेशन दिए। जैसे उन्होंने पहले जो चूज़ किया था ब्लू के साथ ऑरेंज कॉम्बिनेशन, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप ऑरेंज की बजाय सिल्वर करवा लो, आपको कैसा लगता है ऑरेंज अगर करते तो अपन इसके अंदर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मेरी पर्सनल चॉइस थी भी इसके साथ सिल्वर का जितना मैचिंग आएगा ना, वो ऑरेंज का नहीं आएगा। तो बशीर भाई का नेचर इतना बढ़िया है, उन्होंने साथ ही साथ एग्री कर दिया कि राहुल भाई आपको ज़्यादा तजुर्बा है, आपको ज़्यादा पता है, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने आपको अपना चॉइस बता दिया, ब्लू ऑरेंज है। अगर आप बोल रहे हो कि ब्लू और सिल्वर करें तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो। फिर दूसरा उन्होंने भाई जो टायर है वो मिनी मोस्टर वाले चूज़ किए थे। तो टायर मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ कि ये वाले टायर है ना, ये बेस्ट टायर है। मैं आपको बहुत बार प्रेफरेंस अपना जो सजेशन देता हूँ, बाकी बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने चलाना ही बिल्कुल थोड़ा है तो हमें यार वो वाला टायर ही चाहिए क्योंकि उसी में लुक आ रहा है। तो वो चीज़ तो आपको पता ही है कि लुक या तो आपको मिलेगा या फिर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। इन टायरों की परफॉर्मेंस ज़्यादा है और जो मिनी मोस्टर टायर है उसकी लुक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बस ये चीज़ होती है। बाकी भाई उन्होंने जैसी चॉइस बताई थी हमने वैसा ही गाड़ी कर दिया। जैसे आगे देख रहे हो आप मुस्तैज बम्पर, LED इंडिकेटर और ये बार जो लाइट है हमने उसके ऊपर लगा दी है। यहाँ पे पहले 3 पाइप्स लगानी थी, फिर बोले भाई वार लगा देना, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव आएगा, ज़्यादा लुक आएगा, अच्छा लगेगा, तो हमने बार जो लाइट है इसके ऊपर लगा दी। कलर भाई बहुत ही शानदार मेटालिक कलर है, बेस्ट कलर है भाई। इसका लुक आम ब्लैक से लगा लो या फिर वाइट से लगा लो या रेड कलर की जीप से लगा लो, ये सबसे अमेजिंग लुक आ रहा है। बाकी देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर आपको ज़्यादा चमक धमक या हाई फाई गाड़ी चाहिए तो फिर आप ये कलर के साथ गाड़ी करवा सकते हो। हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है, मैं पहले ही बोलता हूँ। किसी को मैट कलर के अंदर गाड़ियाँ पसंद होती हैं, किसी को ज़्यादा चमक धमक या लाइटिंग वगैरह ज़्यादा पसंद होती है, किसी को ब्लैक कलर के जो ग्लॉसी कलर है उनमें ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद होती है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। हालांकि कलर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो तो भाई मैट कलर के अंदर ही है, जो मैट ऑलिव ग्रीन कलर आते हैं जैसे, हल्के फुल्के, ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं करवाना चाहता, जो अपनी चॉइस है। बट ये चीज़ अच्छी लग रही है, जैसी कस्टमर ने बोली थी हमने कर दी। तो सीट्स देखें आप, जो है ब्लू और सिल्वर का कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिया गया है और कंसोल वगैरह सिल्वर में दिया गया है, मैटिंग वगैरह इसमें ब्लैक कर दी गई है और स्टेयरिंग व्हील भी जो ब्लू और ब्लैक हमने किया है। बाकी भाई कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसके अंदर यही गेटअप आना था। अगर अपन इसको अंदर ब्लैक सीट्स लगा देते तो शायद उतना लुक ना आता। तो ये चीज़ जैसे जैसे हमने प्रेफर की वैसे वैसे उन्होंने लगवा ली और उड़ीसा रजिस्ट्रेशन में ये गाड़ी हमने बना के दिया है बशीर भाई के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ हर बार कि आपकी स्टेट के नंबर के साथ आपको गाड़ी प्रोवाइड करवा देंगे, बाद में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को RTO के जाना पड़ेगा, वहाँ पर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, कुछ नहीं करवाना। आपको आपकी स्टेट के नंबर के साथ हम गाड़ी प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे बशीर भाई थे वो सऊदी में बैठे थे, तो सऊदी में बैठे बैठे इन्होंने ऑर्डर किया और हमने जो है जो उनके नाम पे ट्रांसफ़र वगैरह सारा प्रोसीजर अप्लाई कर दिया और अब जो गाड़ी है उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है, अपन सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद किसी को भी RTO में जाने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज जरूर लगता है भाई जी, ठीक है, आप बोलोगे कि भाई चार्ज भी ना लगे और वो काम भी हम खुद करवा दें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, हर सिटी का, हर एरिया का, हर स्टेट का जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग होता है। जब आप ऑर्डर करते हो हम एक बार बेस मॉडल के प्राइस के साथ ही आपसे ऑर्डर लेंगे, जैसे 450 की गाड़ी है 450 की गाड़ी के हिसाब से लेंगे। जितना RTO का चार्ज लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा कि RTO का चार्ज इतना लग रहा है, उसके बाद आपकी इच्छा है। अगर आप अपनी स्टेट के नंबर के साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप NOC के साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है, पेपर वर्क में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम
हम भी करवा सकते हैं, आप खुद करवाना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। बट मोस्टली हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि अपनी स्टेट के नंबर के साथ ही हम गाड़ी लें, बाद में माथापाची ना हो, कहीं भी आरटीओ वगैरह में कहीं पर भी जाना ना पड़े। तो ये चीज़ जो होती है उनकी चॉइस के ऊपर हम कर देते हैं रेडी। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हम काफ़ी सारी रील्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जो है फॉलो कर सकते हो। बाकी उड़ीसा में बहुत सारी गाड़ियाँ हमने दी है, अभी मेरे पास लगभग 3 से 4 ऑर्डर उड़ीसा के और पड़े हैं अभी देने वाले। अभी सुशांता जी की गाड़ी आएगी, वो भी उड़ीसा रजिस्ट्रेशन के साथ है। एक नवीन जी की गाड़ी है, वो भी उड़ीसा रजिस्ट्रेशन के साथ है। तो वो गाड़ियाँ जल्दी ही इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एक और गाड़ी रेडी हो चुका है, शायद आपने लाइव में देखा होगा। तो पलनियापन जी हैं जो तमिलनाडु से, तो उनका गाड़ी रेडी है, पूरा वीडियो उसका इसके बाद देखेंगे, शूट करेंगे। या फिर मनीष छत्तीसगढ़ जी हैं, मनीष जी हैं सोनी जी, तो उनका जो छत्तीसगढ़ में गाड़ी भेजना है तो उनका गाड़ी का भी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो जैसा मौका लगेगा, जैसा टाइम लगेगा, तो आपको लाइव के थ्रू पता चल जाएगा। तो भाई अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।